subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. जी, मैं राजकुमार, टेक्नोमोंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी से आपके लिए फिर एक नए प्रोडक्ट की वीडियो लेके आया हूँ। आप देख सकते हो, आपके सामने सोप मिल्क वेंडिंग है 300 लीटर। इसमें हमारा जो है आपका नोट एक्सेप्टर और कॉइन एक्सेप्टर दोनों है, जो हमने आपको पिछली वीडियो में पिछली जो मशीन है उसमें नहीं बताया था। आप देख सकते हो, इंडिया में आप इसको कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपकी मशीन पूरे सामने है। इसमें आपका चिलर सिस्टम भी लगा हुआ है और 4 से 5 दिन तक इसमें आपका जो दूध है बिल्कुल सेफ रहेगा। अब इसके बारे में हम बताते हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, इसमें प्राइस वगैरह सब कुछ सेट है। जो हमारे पास RFID कार्ड है वो रिचार्जेबल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैन कार्ड एयर है और ये कीपैड है, और ये इसमें जो लीटर और क्रेडिट जो है आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये नोट एक्सेप्टर है, ये कॉइन एक्सेप्टर और ये नोट एक्सेप्टर है। जितने रुपए का भी आपको दूध लेना है आप इसमें नोट डाल के या कॉइन डाल के आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये वेइंग स्केल है, यहाँ पे LED लाइट लगी हुई है और ये वेइंग स्केल है। इस पर जैसे डिस्पेंस होकर लोड पड़ेगा मिल्क का वेट बता देगा। तो आइए अब हम कार्ड से मिल्क निकालना, मैं आपको बताता हूँ कैसे मिल्क डिस्पेंस करना है। 500 ml, 1000 ml, 2 लीटर, ये ऊपर रूपीज से सेट है आपका। आप देख सकते हो कार्ड से मैं आपका आप अपने ये जो हम आपको ये जार है आप देख सकते हो, इसमें मैंने ये रख दिया है। और मैं पहले जितने का भी मुझे दूध निकालना है 10 रुपीज़ 50 रुपीज़, मैं पहले बटन दबाऊंगा और कार्ड को स्कैन करूंगा। 10 रुपीज़ का मैं अभी आपको बताऊंगा और कार्ड में से वो डिडक्ट हो जाएगा। 10 रुपये का मैंने स्विच ऑन किया है और ये कार्ड को मैं ये यहाँ पर इसमें पैनल में स्कैन किया है, और स्कैन करते के साथ ही आप इसको तुरंत हटा सकते हो और उसमें वहाँ से डेबिट हो जाएगा और इसमें आपका जो मिल्क डिस्पेंस हो जाएगा। और इसे करीबन ये 250 ml जो है आपका, क्योंकि 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से सेट है, या आप इसको समतल पर रखोगे तो आपको ये दिखाई देगा 250 ml। अभी हम आपको इसमें दिखाता हूँ। ये अभी तो मैंने रुपीज़ की क्वांटिटी में बताया, मैं आपको जो है ml लीटर के हिसाब से आपको डिस्पेंस करना सिखाता हूँ, ठीक है। डाइस, ये आपका 1/2 लीटर, 1 लीटर और 2 लीटर। कार्ड स्कैन करूँगा, 1 लीटर, 40 रुपये इसमें से डेबिट हो गया और 1 लीटर जो है मिल्क जो है डिस्पेंस हो गया है। इसमें से आप देख सकते हो ये इधर डिस्पेंसिंग हो रहा है और 1 लीटर का ये पूरा जार जो है फिलअप हो जाएगा। अभी इसमें वाटर आ रहा है, मिल्क भरा रहेगा तो मिल्क आएगा आपका। आप देख सकते हो इसमें से डेबिट हो गया है और 1 लीटर आपका इसमें डिस्पेंस हो गया है। इस पानी को मैं वापस इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए आप, इसमें 1 लीटर आपका दिखाया गया है पूरा। और अभी आप देख सकते हो, अब मैं आपको जो है 10 रुपये 50 रुपये ये आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। नीचे ml जो लीटर जो दे रखा है वो आप निकाल सकते हो उसी प्रकार से जैसे हमने अभी निकाला। अब मैं नोट से कैसे दूध निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ml है, इसको रुपीज़ में हमें सेट करना है। ये जो रेड बटन है, ml और रुपीज़ दोनों हम चेंज कर सकते हैं। रेड बटन से रुपीज़ आ जाएगा, तभी हम करेंसी जो भी कोई ना हमारे पास उससे हम मिल्क निकाल सकते हैं। मैं कार्ड को इसको रख देता हूँ। 10-20 रुपये का नोट मैं इसमें पहले डालूंगा। ये यहाँ पे हमारा 20 रुपये डिस्प्ले में क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए 20 रुपये क्रेडिट हो गया है और प्राइस 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से है। 20 रुपये का ही दूध अभी हम निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने हैज जो बटन इसमें दिया है इसको ऑन करेंगे। ये हमारा एंटर का बटन का काम करेगा और 20 रुपये का जो मिल्क है वो इसमें हमारा डिस्पेंस हो जाएगा। जब भी आपको नोट और कॉइन डालना है तो हैच का ही बटन दबाना। और यहाँ पे देखिए 20 रुपये का 1/2 लीटर करीबन ये इसमें डिस्पेंस हो गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1/2 लीटर हो गया। इसको आप इक्विलिब्रियम स्पेस पर रखोगे तो आपको ये क्लियर दिखाई देगा। अब मैं कॉइन से भी आपको और नोट एक्सेप्टर से दोनों से आपको मिल्क कैसे निकालना वो बताता हूँ।
मेरे पास ये पहले मैं इसमें ये 20 रुपये का नोट डालूँगा, 20 रुपये का मैंने नोट डाल दिया, इसमें 20 रुपये क्रेडिट हो गए हैं। हम 10 रुपये का मैं जो कोइन है वो इसमें डालूँगा, अगर वापस आ जाए तो आप इसको थोड़ा तेज डाल दीजिए, वो आगे आपका कैच कर ले, 30 रुपये आपका आ गया है। अब मैं इसमें 5 का सिक्का डालूँगा, देखिए 35 रुपये आ गया, 1 रुपये का सिक्का और डाला मैंने, 36 रुपये हो गया। अब 36 रुपये का आपको दूध निकालना है तो आपको ये डिस्प्ले खोलना है और हैज जो बटन है उसको आपको पुश करना है, पुश करते के साथ ही हमारे जार में 36 रुपये का जो है मिल्क जो है डिस्पेंस हो जाएगा। मैंने हैज दबा दिया और ये देखिए मिल्क डिस्पेंस हो रहा है। अगर हम इसमें 100 रुपये डालेंगे तो 100 रुपये का दूध इसमें आपको लेना पड़ेगा, जितने रुपए का आपको दूध लेना है उतने रुपए इसमें आप डाल दीजिए। 36 रुपये का करीबन हमारे 900 कुछ ml दूध आ गया है, हम देख सकते हो इसको 915 ml के आसपास करीबन इसमें है। ये आपकी जो शॉप मिल्क ATM है ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया है, बाकी आपको इसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी लेनी तो हमारे वेबसाइट और वीडियो के लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें आपका पीछे करेंसी निकालनी है तो आपको एक पीछे ढक्कन खोल के आप इसमें से करेंसी निकाल सकते हो, आप ये देख सकते हो इसमें से जो भी हमने पैसा डाला था वो हमारा इधर आ गया है, नोट और कॉइन का दोनों ये बॉक्स है वापस लॉक कर दिया है, ये बाहर अंदर से दोनों से लॉक होगा। ये जो मैनुअल बटन है, अगर मान लो कंट्रोल पैनल में अगर कुछ खराबी आ जाती है तो इस मैनुअल बटन से हम मिल्क जो है डिस्पेंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 लीटर हाफ लीटर का जार रखना पड़ेगा कस्टमर को देने का। और ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर जो चिलिंग यूनिट कंप्रेसर और एजिटेटर का जो डिस्क्रिप्शन है वोल्टेज कितना ले रहा है वो इसमें दिखाया गया है, और ये ऑटो मोड और मैनुअल मोड दोनों चलता है, अंदर सेटिंग है। जब आप मशीन परचेज करोगे तो हम आपको इसके बारे में बता देंगे। वोल्टेज दिया हुआ है ये 234 वोल्टेज सिंगल फेस, कंप्रेसर एक और एजिटेटर ऑन है, दो यूनिट लगे, एक कंप्रेसर और एक एजिटेटर। मैं पीछे इसका आपको एक टैंक दिखा देता हूँ जिसमें से आपको मिल्क फिल करना है, देख सकते हो आप ये पीछे से मैं टैंक को मैंने उठाया है और इसमें ये एजिटेटर रोटेट हो रहा है, इसकी जो मोटर लगी हुई है वो नीचे की साइड लगी हुई है, और टैंक में आप इसमें 300 लीटर से 320 लीटर की इसकी ग्रोस कैपेसिटी है, इसमें आप मिल्क भर सकते। मैं बंद कर देता हूँ, अब आप ये देख सकते हो ये मशीन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको इसके बारे में कुछ भी परचेज करना है या कुछ भी करना है तो आप वीडियो के लास्ट में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, मेल भी कर सकते हो, आप मेल करके इंक्वायरी ले सकते हो, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हो और इसके बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हो।